बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप माँ के पेट में बच्चा रहता है, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें देखता है कि ओलिगोहाइड्रोमनियोज है, मतलब माँ के पेट में बच्चे के अराउंड जो पानी रहता है वो बहुत कम है, तो ऐसा देखा जाता है। अब फिर हमारे पास अगर मतलब क्लिनिशियन के पास अगर वो अल्ट्रासाउंड लेकर के आते हैं तो हम बोलते हैं कि री स्कैन कराइए और देखिए कि बच्चे को किडनी, यूरेटर और ब्लडर इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर से जाते हैं, या अगर पहले ही हमको बता दें कि बच्चे का किडनी, यूरेटर, ब्लडर में प्रॉब्लम है तो, और अगर वो मेल चाइल्ड है तो हम सस्पिशन हमारे जाता है कि इसका पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व हो, मतलब जो यूरेथ्रा है, पेशाब का रास्ता है, उसमें कहीं मतलब बहुत मेजर रुकावट हो, उसकी वजह से एक ओलिगोहाइड्रोमनियोज हो सकता है। तो हम क्लिनिशियन के लिए ये खराब चीज होती है कि उसको काउंसिल कैसे करें। तो आज बात करें पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व के बारे में। ये 8 से 10 हजार जो लाइव बच्चे पैदा होते हैं उसमें एक बच्चों में होता है, इसमें यूरेथ्रा मतलब यूरिन जो पास करते हैं पेशाब के रास्ते से, वहां पे ब्लॉकेज रहता है तो बहुत अच्छे से पेशाब नहीं कर पाता है बच्चा, पेशाब ठोप 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 ड्रॉप बाई ड्रॉप करेगा, और जो ब्लडर है मतलब नाभि से नीचे जो ब्लडर का हिस्सा है वो फुला हुआ रहेगा, दोनों साइड का यूरेटर जो है फुला हुआ रहेगा, टॉर्चुअस और डायलेटेड बोलते हैं, फिर दोनों साइड का किडनी जो हाइड्रोनेफ्रोटिक रहेगा, कभी एक साइड का भी हो सकता है, कभी दोनों साइड का हो सकता है, तो ये खराब कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि बच्चा ग्रोथ कैचअप नहीं करता है, अक्सर बच्चे जो है डिलीवरी के बाद इसमें मतलब खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसमें मरने का कारण लंग्स का डेवलपमेंट मतलब कम होना, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होना है। और अगर बच्चा डिलीवर कर गया, ठोप ठोप पेशाब कर रहा है, तो आप पेरिटिक सर्जन से मिलते हैं या पेरिटिक यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो आपको बताया जाता है कि इसकी सर्जरी करवानी है। अगर हम नहीं करवाते हैं सर्जरी तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है, हम देखते हैं कि बच्चा ग्रोथ कैचअप नहीं करेगा, हमेशा बच्चा बीमार रहेगा, बच्चा यूटीआई लेके आएगा, फीवर लेके आएगा, बहुत इल लुकिंग बच्चा रहेगा, हमेशा लगेगा कि बीमार है। हमारे पास एक बच्चा आया था अभी 1 महीने पहले, मैंने काउंसिल किया उसको कि आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, बोले बहुत छोटा बच्चा है अभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे, मैंने कैथेटर लगा करके उसको एडवाइस दे करके कि आपको जब मन करे करा लीजिए, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल कराइएगा, तभी आपका बच्चा रिवाइव कर सकता है, नहीं तो फिर सर्वाइवल मुश्किल है। तो वो लोग लौट के नहीं आए, पता नहीं बच्चे का क्या हुआ, आई डोंट नो। गार्जियन के लिए ये मैसेज है कि अगर इस तरह का बच्चा आपको दिखता है कि जो पैदा हुआ और ड्रॉप बाई ड्रॉप पेशाब कर रहा है तो आपको पेरिटिक सर्जन से मिलना है और उस बच्चे को एज सुन एज पॉसिबल ऑपरेट कराना है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर एंटीनेटल स्कैन कराते हैं मतलब अल्ट्रासाउंड कराते हैं बेबी का जब प्रेग्नेंट रहती है माँ, तो अगर उसमें ओलिगोहाइड्रोमनियोज मिलता है तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, आपको सर्जन से या पेरिटिक सर्जन से या फिटल मेडिसिन वाले लोगों से मिलना चाहिए कि क्या कारण है और इसका क्या इलाज हो सकता है। थैंक यू।